हेलो आईफोन यूजर्स, दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग अपने आईफोन के फोटोज एप्लीकेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई और यहाँ पे इजी लुक दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके iOS 18 के अपडेट करने के बाद गैलरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, उन्हें कई सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कैसे आप लोग इस चीज़ को डन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल पर आप लोग पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स में बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों गैलरी एप्लीकेशन में आपको कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पे आप लोगों को पीपल्स देखने के, पेड कलेक्शंस देखने के, मेमोरी देखने की मिलती हैं, टिप्स देखने की मिलती हैं, फीचर्ड फोटोज देखने के मिलते हैं, जहाँ पे इनका कोई यहाँ पे ऐसा कोई भी खास काम नहीं होता है। और यहाँ पे वीडियोस, लाइव फोटोज, पोर्ट्रेट, स्क्रीनशॉट तो आपको ये पहले भी देखने के मिलते थे iOS 17 की गैलरी में, ऐसा कोई काम के तो है नहीं और काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं यहाँ पे और गैलरी थोड़ी थोड़ी बल्कि देखने की मिलती है। तो इसको क्या करना है यहाँ पे, इसको इन सब चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे क्लियर करने के क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे कस्टमाइज ऑर्डर पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो कि आपकी गैलरी में इनबिल्ट गैलरी में आपको देखने की मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग क्या क्या रखना है। यहाँ पे आप लोग पीपल्स को रख सकते हैं, रीसेंट डिलीट्स को आपको हटा देना है, पेंट कलेक्शंस को हटा देना है, मेमोरीज को हटा देना है, मेमोरीज रख सकते हैं आप लोग, मीडिया टाइप रख सकते हैं, यहाँ पे यूटिलिटीज रख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसे कैंसिल आइकन पे टैप कर दीजिए और आप लोग इन्हें यहाँ से अरेंज भी कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे इसे ऊपर रखना चाहते हैं ऊपर रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे सबसे नीचे वाली चीज़ को आप लोग अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो उसे अप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल आइकन पर टैप कर देना है और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वो सारे जो दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो सभी जा चुके हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे आप जब आप लोग अपने प्रोफाइल पे टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, हाइड हिडन एल्बम, तो यहाँ से आप लोग उसे हाइड भी कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने की मिलती है। तो दोस्तों कुछ इन स्टेप से आप लोग फॉलो करके अपने फोटोज एप्लीकेशन को यहाँ पे सिंपल लुक दे सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को देखने के मिलते हैं मंथ्स ईयर और बस यहाँ पे ये सिंपल चीज़ आपको देखने की मिलती है, जहाँ पे आपका फोटोज एप्लीकेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने के नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से कुछ ईजीली अपने फोटोज एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक क्विक वीडियो आईफोन में फोटोज एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करने का। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और दोस्तों चैनल पे आप लोग पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ तो मेरे को नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।